एक डिसेंट सा लेग स्पेस है, कोई ज्यादा लेग स्पेस नहीं है, मतलब वैसे तो पैर भिड़ रहे हैं। तो ऐसा दिखता है इसके अंदर का इंजन, बहुत ही प्यारा, मिट्टी से लदा हुआ, बट V8। सो गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज हम करने वाले अपनी मस्टैंग GT का रिव्यू। ये वीडियो बहुत टाइम से वेटेड थी अपने चैनल पे, तो हम आए एक ऐसी जगह जहाँ पे हम 360 घुमा सकते हैं ताकि मैं गाड़ी घुमा पाऊँ आराम से बिना किसी टेंशन के। जगह ही जगह है, बस एक दिक्कत होगी है कि यार इतनी ज़्यादा प्यारी जगह है, और मैं होप कर रहा था कि कोई यहाँ पे अपने पास कैमरामैन होता तो मज़ा आ जाता, कि काश कहीं से ऐसे एकदम कैमरामैन प्रकट हो। ये ठक ठक क्यों हो रही है भाई? यहाँ से प्रकट हो ये नहीं सोचा था। एक्टिंग कर रहा है भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमें कहीं कैमरामैन मिल नहीं रहा था, इसलिए हमें जो कैमरामैन कैमरा पकड़ा हुआ इंसान मिला, हम उसको किडनैप करके ले आए। तो ये साडा चलता है तक असी ता कर दे। नहीं नहीं, आ जाओ चले। अब आप करेंगे मस्टैंग का रिव्यू। आओ तो मैं स्टार्टिंग से बताऊं क्या क्या है मस्टैंग के फीचर्स, क्या क्या है। आ जाओ। ठीक है, हाँ भाई, ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा, मेरे को नहीं बताते यहाँ इतनी ठंड होगी और इतनी बर्फ होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मस्टैंग स्टार्ट करने से। तो मस्टैंग को स्टार्ट करने का बिना अंदर बैठे एक तरीका है, वो समझ लो। लॉक करो, लाइट आ गई, एक दो, तो ये होगी मस्टैंग अपनी स्टार्ट। आ जाओ अंदर, बाकी सारे फीचर्स बताता हूँ। आ जाओ भाई अंदर। भाई लाइटिंग नहीं आ रही, फ्लैश ऑन करूं? अरे भाई हम गरीब हैं क्या, रुक कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके आराम से बिताऊ, और आओ तो मैं कन्वर्ट करने का भी बताऊँ। तो गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है, एंड अब कन्वर्ट करने का तरीका है, इसको घुमाओ, प्रेस करो, एंड देन इसको प्रेस करके रखना बटन को, तो गाड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। ईजी एज दैट। अब इसके बाद पहले आ जाओ इधर, बात करते हैं डोर में क्या क्या अपने पास। तो डोर पे अपने पास है ये अपना हैंडल जिससे खुलता दरवाज़ा, एंड उसके बाद ये लॉक अनलॉक, और ये मेमोरी सीट्स है। मेमोरी सीट्स की मतलब आगे पीछे करना हो, पीछे करना हो, ये रखना। ये नंबर दो में होती है, नंबर तीन पे, तो ये मेमोरी सेट हो जाती है सीट के पीछे जाए जा रही है। ये सीट नंबर 3 है जो मैंने सेट नहीं करी है पहले से सेट, बट अपने को मैनुअली पसंद है, आप ऐसे रखें। एंड उसके बाद है विंडोज, लेट्स गो, अनदर ब्यूटीफुल। ऑटो लाइट है जिस पर गाड़ी अपने हिसाब से अंधेरे में, जब लाइट होती है तब अंधेरा होता है तो लाइट होने जाती है, और ये सब ये छोटी लाइट है, बड़ी लाइट है, और ये जीरो ऑफ, एंड देन उसके बाद ये जहाँ पे इधर गॉज वगैरह डिम करने के लिए, ये देखो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने बेस्ट पार्ट स्टेयरिंग के। स्टेयरिंग में सबसे पसंद मेरे को है पैडल शिफ्ट इसके, और उसके ऊपर अपन ये कवर लगाया हुआ है, और ये $15 का मिल जाता है अमेजोन पे, कहीं भी मिल जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एंड जब दरवाज़ा खुला होता है तो ये सब आता रहता है। एंड स्टेयरिंग के अंदर अपने काफ़ी फीचर्स है, आप ये अपना वो लगा सकते हैं, क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। एंड ये वॉल्यूम का बटन है, वॉल्यूम कंट्रोल हो जाती है, एंड गाना चेंज हो जाता है, बेसिक फीचर्स आ रही हैं, मैन मोड भी चेंज हो जाता है, एंड पेडल शिफ्ट तो है ही। और ये इस साइड है इसका इंडिकेटर, कई कई गाड़ियों में उल्टा होता है, किसी में इधर होता है, तो इसका इंडिकेटर लेफ्ट साइड है। मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, आवाज़ कम आ रही होगी। तो ये वाला इंडिकेटर इसका इधर है, एंड ये अपना वाइपर्स, मैं सिर्फ इंजन ऑन कर देता हूँ ताकि ये सब चलता रहे साथ साथ। एंड ये देखो, ये अपना मस्टैंग का लोगो, देखा ही होगा तुमने, ये मस्टैंग का लोगो है अपना। एंड देन इसके बाद आ जाते हैं आप इसके मीटर के अंदर। मीटर के अंदर काफ़ी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये ट्रिप ये अपना दिखाता रहता है, ट्रिप क्या सीन है, कितने ज़्यादा किलो क्या एवरेज दे रही है। तो अभी 7 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, क्योंकि सिटी में भी थे और हाईवे पे भी थे, वरना इसकी एवरेज कम है, एवरेज मस्टैंग GT की कम है, मस्टैंग इको बूस्ट की बहुत ज़्यादा है। इको बूस्ट इंडिया में नहीं मिलती, कैनेडा में मिलती है, जो मेरे पास इको बूस्ट थी इससे पहले, उसके पीछे उसका और मस्टैंग GT का डिफरेंस पता है कैसे पता लगता है? मस्टैंग GT के पीछे यहाँ GT लिखा होता है, इको बूस्ट के पीछे यहाँ घोड़ा होता है, तो दोनों साइड घोड़ा होता है,
तो ये GT है इसलिए इसकी एवरेज कम है। इसके बाद अब इसके अंदर दोबारा देखते हैं गोच के अंदर क्या क्या है अपने पास। ये एक ट्रिप वगैरह दिखा सकते हैं तुम फ्यूल इकॉनमी में कितनी है, एंड देन इसके बाद अपने पास गोच मोड्स में टायर प्रेशर भी बता देता है कितना है, एंड ये सब बहुत सारी चीज़ें जो बताता रहता है। इनका मेरे को कभी यूज़ समझ नहीं आया, तुम्हें पता हो तो तुम यूज़ कर लेना भाई, मेरे को भी समझ नहीं आया, बस ये दिखने में अच्छे लगते हैं। और उसके बाद किलोमीटर रेंज कितनी है, बट इसके बाद और भी ऑप्शन है इसमें जो बढ़िया काम के लगते हैं मेरे को, जैसे कि ये अपना एक्सेलरेशन टाइमर, तो 0 to 50 कितने में जाती है ये भी तुम देख सकते हो, 0 to 100 कितने में जाती है। और अभी मैं तुम्हें करके दिखाने की जगह एक बारी रिजल्ट्स दिखा देता हूँ बेस्ट। ये है अपने ऑल टाइम बेस्ट, 0 to 50 2.7 में गई थी, 0 to 100 6.4, 0 to 100 इससे कम में हो जाता है, 0 to 50 भी हो जाता है अभी, बट अभी बारिश और यहाँ पानी में करके फ़ायदा नहीं है। बट तो मैं बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखाऊंगा, मैं अभी 360 दिखाऊंगा। और ब्रेक फॉर परफॉर्मेंस भी देख सकते हो कि 100 to 0 में कितनी देर में रुकती है, एंड काफ़ी और भी फीचर्स हैं इसके, जैसे कि अब अभी ये इसकी हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, माई कलर में जाके गॉज कलर, लाइट आती हैं एम्बियन लाइट वो भी चेंज कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। वैसे मैं रेड पे सेट करके रखता हूँ, तो रात की क्लिप डाल दूंगा जब दोनों का कलर रेड होगा, दिन में क्योंकि दिखाता नहीं है इसलिए इसमें सेटअप भी नहीं हो सकता। एंड उसके बाद और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, डिस्टेंस देख सकते हो, टेम्परेचर सेट कर सकते हो, तुम चाहो तो अपने हिसाब से फारेनहाइट सेल्सियस कर सकते हो, डिस्टेंस किलोमीटर लीटर किलोमीटर माइल्स गैलन्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो ये बेसिक है बट इसमें बहुत ऑप्शंस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इधर, सो ये इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ है, ये अपना ब्रेक दबा के रखो और ये दबा दो तो स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, एंड अभी आप बंद कर देते हैं गाड़ी क्योंकि शोर बहुत होने वाला है इससे। सो इसके बाद हीटेड सीट वेंटिलेटेड सीट ठंडी गर्म दोनों हैं, एंड भाई थोड़ा सा वो करेगा मैं तुम्हें बताता रहूँगा। एंड ये अपनी एमरजेंसी वाली लाइट जिससे चारों लाइट चलती हैं, ये देखो ये प्रॉपर अपनी वो जेट वाली फील देते हैं ऐसे ऐसे बटन, ये वन ऑफ द रीज़न है जिस वजह से मेरे को मस्टैंग सबसे प्यारी लगती है। ये देखो इसका ट्रैक्शन ऑफ ऑन ऑफ का बटन है, इससे ट्रैक्शन ऑन ऑफ हो जाती है। ट्रैक्शन का मतलब होता है जब गाड़ी ट्रैक्शन पकड़ लेगी, अगर ट्रैक्शन ऑन है तो गाड़ी ग्रिप बना के सीधी चलेगी, जब ट्रैक्शन ऑफ कर दोगे तो तुम्हारे को घुमाने में काम आएगी, तो ट्रैक्शन ऑफ करो एंड देन घुमाओ तो बढ़िया ग्रिप नहीं पकड़ती और लूज हो जाती है ग्रिप, तो बढ़िया घूमती है। एंड ये स्टेयरिंग का इधर लेके आइए 0.5 पे करते हैं, तो ये है अपना स्पोर्ट, ये है अपना स्टेयरिंग का, ये देखो इधर स्टेयरिंग व्हील है, अभी नॉर्मल पे है, जब हम स्पोर्ट्स मोड डालेंगे तो अपने आप स्पोर्ट्स मोड पे चला जाएगा, ये देखना अभी इधर लगी, अब यहाँ से स्पोर्ट मोड और ये कम्फर्ट, और इसके बाद आगे इधर और मोड्स हैं, ये वाला मोड है स्पोर्ट्स का, और ये देखो इसमें तीन ऑप्शन है, ये स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स प्लस एंड इसके बाद ट्रैक मोड में होता है ट्रैक्शन ऑफ, स्पोर्ट्स प्लस में बेस्ट परफॉर्म करती है गाड़ी, ग्रिप भी बनती है एंड सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है, एंड उसके बाद तुम पैडल शिफ्ट कर सकते हो। तो ये देखो ये भी अपना डी वे चला के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, अब इसके बाद स्पोर्ट्स प्लस करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे फिर स्पोर्ट्स प्लस करेंगे, भाई सीट बेल्ट डाल लो तुम्हें ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे, पता लगे बाहर ही निकल गया गाड़ी के, स्पोर्ट्स पे डाल दी गाड़ी, स्पोर्ट्स प्लस पे नहीं है, स्पोर्ट्स पे डाल दी हर जगह से। और ये देखो ये स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स प्लस भी है, इसके बाद उसमें थोड़ा और ज्यादा जाती है सी बर्फ भी अपने पास प्यारी रख दो, अब ये है स्पोर्ट्स प्लस इधर लेके, ये देखो हाथ ही मुड़ना बंद हो गया, ये देखो ये अब स्पोर्ट्स प्लस, ये बेस्ट है इसका, इसमें तुम पैडल शिफ्ट भी कंट्रोल कर सकते हो जैसे मर्जी अपने, नॉर्मल में बेसिक इको थोड़ी एवरेज देती है, स्पोर्ट्स में थोड़ी बेटर, स्पोर्ट्स प्लस में बेस्ट। सो ये थे इसके सारे स्पोर्ट्स वाले फीचर्स, इसके बाद हम आ जाते हैं गाड़ी के जैसे जो अपने को कंफर्ट वाले फीचर्स होते हैं जो भी चाहिए होते हैं, हीटेड क्योंकि ठंड बहुत होती है कनाडा में इसलिए हीटेड सीट बहुत काम देती है, बट इसमें एक दिक्कत है हीटेड स्टेयरिंग नहीं है जो मेरे को सबसे दिक्कत लगती है, गलत चीज़ लगती है कि हीटेड स्टेयरिंग तो होना ही चाहिए था, और उसके बाद वेंटिलेटेड भी है अगर गर्मी में ठंडी सीट हो जाए, और उसके बाद ये सब टेम्परेचर तो चलो सब गाड़ी में होता ही है, मैक्स एसी मैक्स वगैरह, तो ये बेसिक है इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। इसके बाद ये आ जाता है अपना स्टीरियो, ये अपना आफ्टर मार्केट है तो फोर्ड मस्टैंग से ये वाला स्टीरियो नहीं आता, इसके बाद ऊपर से ऊपर लगाया हुआ है बढ़िया,
तो इसमें ये स्कल का भी फेस वगैरह आता है। एंड उसके बाद ये देखो, उसका भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऐसा सही होता है। इसमें तुम FM यूज कर सकते हो, CD यूज कर सकते हो, सीरियस और ये सब USB, एंड देन ये ब्लूटूथ जो नॉर्मली चलता ही है, SD कार्ड। सो बेसिक है, स्टीरियो में इतना कोई ज्यादा समझने लायक है नहीं। और ये वही अपना हीट वगैरह पे आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी लुक पे। इसके बाद अपनी कन्वर्टेबल है तो इसकी लुक बहुत सिक आती है, बहुत प्यारी लगती है, एंड इस वजह से मेरे को ज़्यादा पसंद है वाली। एंड उसके बाद ये ट्यूनिंग वगैरह के लिए है। सो इस तरह हम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं स्पोर्ट्स वगैरह। और ये हैंड ब्रेक है इसकी, सो प्रॉपर इंडिया वाली जैसे कहते हैं, मतलब मसल कार वाली जो लुक होती है वो इसकी हैंड ब्रेक से फील आती है। मतलब आजकल जो गाड़ियों में आती है वो ऐसे क्लिक करने वाली आती है, बटन वाली आती है, जो मस्टैंग वाली फील है, जो मसल कार वाली फील है, वो ऐसे खींच के फील आती है। एंड उसके बाद दो कप होल्डर है जो आज हमने यूज़ करी है अभी। और उसके बाद पीछे वाली सीट पे चलते हैं, पीछे जाते हैं। तो भाई पीछे जाने का क्या तरीका है, या तो कूद के चले जाओ, कन्वर्ट हो रखी हो, शक्तिमान हो तो, वरना जैसे इंसानों वाला तरीका है सीट आगे करो और ये वाली यहाँ से इसको हैंडल को ऊपर करो, पीछे जाओ। अब इसके बाद एक डिसेंट सा लेग स्पेस है, कोई ज़्यादा लेग स्पेस नहीं है, मतलब वैसे तो पैर भिड़ रहे हैं। सीट थोड़ी सी आगे करी जा सकती है इसकी, और यहाँ से अगर कन्वर्ट करी हुई गाड़ी तो बहुत स्पेस है। और कन्वर्टेबल में थोड़ी सी ज़्यादा जगह होती है मस्टैंग में, मतलब ऐसे नहीं कि कन्वर्ट करने के बाद, कन्वर्ट ना हो तो भी ज़्यादा होती है। मेरी पिछली वाली में हम कभी चार नहीं बैठ पाए पीछे, बट इसमें हम कन्वर्ट बंद करने के बाद भी चार बैठ जाते हैं, क्योंकि इसका जो हेड स्पेस है वो इस अपने इस वाले कन्वर्ट की वजह से, टॉप की वजह से सही है, वो यहाँ से जाता है। दूसरी वाली में है वो कभी, उसके शीशे भी नीचे नहीं होते जो पीछे वाले हैं, इसमें शीशे भी पीछे हो जाते हैं। तो काफ़ी डिसेंट सा लेग स्पेस है, कोई ज़्यादा नहीं है, कंफर्ट हो के बंदा नहीं बैठ सकता, ऊपर से टू डोर है। सो अब आप आगे ही बैठेंगे क्योंकि हमसे पीछे बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर, हम आगे वाले शिकारी हैं। तो भाई ये देखो, मैंने अभी लाइट ऑफ कर दी है, तो अब एक लाइट ऑन होगी, बाहर जाके भाई दिखाएगा। तो भाई ये है ऑफ लाइट। अब इसके बाद हमने एक मोड पे कर दी, दो मोड पे कर दी, और ये ऑटो पे कर दी। अब इस पर सारी लाइट ऑन हो चुकी है, और ये मैक्स लाइट है, तो येलो और वाइट लाइट है इसकी, तो बड़ी क्लासिक सा कॉम्बिनेशन लगता है बड़ा, जब रोड पे चल रहा होता है तो ऐसे मतलब पता लगता है कि हाँ कोई प्यारी लुक है। और इसकी बेस्ट लाइट, बेस्ट जिससे पता लगता है कि मस्टैंग है, आओ तुम्हें दिखाओ, पीछे आ जाओ, ये है जिससे पता लगता है कि ये मस्टैंग है, ये टक 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 टक, ये टक 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 जो है ना ये लाइट, और ये वाली, इससे पता लगता है कि मस्टैंग चल रही है रोड पे। और इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही प्यारी है, तुम्हें पता ही है, तुम्हें भी क्यों देख रहे हो वीडियो, क्योंकि मस्टैंग की जो रोड प्रेजेंस है ना, इतनी चौड़ी सी लगती है गाड़ी, पता लगता है कि मस्टैंग चल रही है रोड पे, पर कुछ रीज़न है मस्टैंग, लोग कितना प्यार करते हैं। बर्फ गिर रही है तो अंदर चलते हैं, कन्वर्ट बंद करें पहले, और बाकी ये दो चार जो फीचर्स रह गए हैं वो मैं बताता हूँ, पहले आ जाओ कन्वर्ट गाड़ी में। तो भाई मस्टैंग की लास्ट दो चीज़ें मेरे को याद आई जो मैंने बतानी भूल गया, वो है अपना एग्जॉस्ट, जिस वजह से अपनी गाड़ी की आवाज़ इतनी प्यारी है, हर मस्टैंग की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये देखो, ये रोश कंपनी का एग्जॉस्ट है अपनी गाड़ी में, इस वजह से आवाज़ इतनी अच्छी है इसकी। और अभी मैं स्टार्ट करके दोबारा सुनाता हूँ, एंड सिर्फ एग्जॉस्ट से नहीं है, रेजोनेटर डिलीट करा हुआ इसलिए ऐसी आवाज़ है, और ये दोनों इलीगल मोड्स हैं, तो किसी को बताना मत, ओके अपने तक रखना। और आवाज़ सुनाता हूँ मैं तुम्हें इसकी, और अभी कोल्ड स्टार्ट होगा मे बी, थोड़ी देर से स्टार्ट, काफ़ी देर होगी स्टार्ट नहीं करी। ये आवाज़ इस वजह से है गाड़ी की ऐसी, वरना ऐसे नहीं आती। एंड मैं तुम्हें इंजन और दिखा दूँ, यहाँ से इसका इंजन खुलता है, ये देखो, एंड आगे इंजन दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। अपनी V8 है ये, तुम्हें पता ही है, नहीं पता तो पता लग जाएगा। और यहाँ पे हाथ डाल के तो ऐसा दिखता है इसके अंदर का इंजन, बहुत ही प्यारा, मिट्टी से लदा हुआ, बट V8, ये देखो V8 कैसे पता लगता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सिलेंडर्स हैं, इस वजह से ज़्यादा तेल पीती है और ज़्यादा बढ़िया स्पीड देती है। फास्टेस्ट कार नहीं है ये इस प्राइस में, बट एट द एंड मस्टैंग इज़ अ मस्टैंग। बट ये देखो, अभी तक इसमें हाइड्रोलिक्स नहीं डाले इन्होंने, ये वाला सेंट्रो में आता है इंडिया में, 2010 मॉडल में वो भी। तो भाई मस्टैंग के काफ़ी फ़ायदे हैं, काफ़ी नुकसान है, बट एट द एंड
मैं आज भी मस्टैंग चूज करता, 10 साल पहले भी और 10 साल बाद भी यही सोचूंगा कि इस उम्र में मस्टैंग ही चूज करता, क्योंकि इसके बाद मतलब मैं कुछ भी ले सकता था, बीमर वगैरह ऑडी वगैरह कुछ भी, बट लेकिन एट द एंड मस्टैंग की जो लेगेसी है ना, मतलब ये कोई फास्टेस्ट कार नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा फीचर्स बिल्कुल भी नहीं है इसमें नॉर्मल, तो मैं दिखाया हाइड्रोलिक भी नहीं है इसमें अभी तक वो वाला है, बट अभी मेरे को मौका मिले 3 साल पहले जाके जब मैं 19 था तो मेरे को मौका मिले कौन सी गाड़ी चूज करूँगा, मस्टैंग ही करूँगा, क्योंकि जिंदगी में कितने ही लोग होंगे जिन्होंने 19 साल की उम्र में मस्टैंग खुद ऑन करके ली होगी, खुद कमा के, सो वन ऑफ द प्राउड मोमेंट और वन ऑफ द प्राउडेस्ट थिंग। नहाया नहीं हो तो मेरे को जाके नहाने दो और सोने दो। सो ये कुछ पार्ट्स थे जो रह गए थे वीडियो के, एंड इसके बाद वीडियो आगे जाके कंटिन्यू करो, ये पार्ट्स रहते थे तो मैंने कहा इस वीडियो में अब डाल देता हूँ, भूल गया था बताने। तो भाई अगर रिव्यू बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर भी कर देना अपने एंथुजियास्ट फ्रेंड्स से जिनको मस्टैंग पसंद हो, और अगर प्राइस वगैरह जानना है मस्टैंग का तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देख लो कितने की पड़ती है मंथली कॉस्ट, मेंटेनेंस सब डाला हुआ उसमें, और इस रिव्यू में कुछ रह गया तो मेरे से पूछ लेना कमेंट्स में, और देखते हैं फिर इसके बाद, लाइक से सब्सक्राइब और रिव्यू वीडियो दे, और कुछ देखना तो बता देना। Bro literally left the chat. मेरे को डिक्की में वापस जाना था।